पाव बीफ का कीमा रखा हुआ है. अनियन चॉप्ड मेरे पास हाफ कप है. प्याज हाफ कप. नमक हाफ टी स्पून. क्रश्ड ब्लैक पेपर. कुटी हुई काली मिर्चें, मोटी मोटी होनी चाहिए. जर्किंस चॉप किया हुआ. मस्टर्ड पाउडर या पेस्ट हाफ. क्रश्ड रेड पेपर हाफ टी स्पून. जैसे ही कीमा हमारा पक जाएगा उसमें हम शामिल कर देंगे आधा कप चेडर चीज़ ग्रेटेड या चार चीज़ की स्लाइसेस. मैंने थोड़ा सा पानी डाला था इसलिए कीमा मैंने मोटा लिया है. मैंने बहुत बारीक कीमा नहीं लिया ना, मज़ा नहीं आएगा आपको. अच्छा, इसको मैं और 5 मिनट छोड़ रही हूँ कवर करके जब तक हम इसकी सॉस बना लेते हैं. यहाँ मेयोनीज़ रखी हुई है आधा कप. इसमें मैं शहद डालूँगी 1 टेबलस्पून. चिली गार्लिक सॉस जाएगी 1 टेबलस्पून. ग्राउंडेड गार्लिक. अच्छी तरह से इसको आप मिक्स कर दीजिए. इसको अब हम भून लेते हैं. तेज़ कर दिया है मैंने, पानी इसका खुश्क हो जाए ना. इतनी देर भूनना है, फिर मैं इसको प्याले में निकाल के इसमें चीज़ डाल दे. चार स्लाइस चीज़ डाल दें, कद्दूकस करके या साबुत डाल दीजिए, वो वैसे ही मेल्ट हो जाएगी. तेल गरम करेंगे और तेल को बिल्कुल हल्का कर देंगे. ये रोल की पट्टी ली मैंने, इसको आड़ा रख दिया. अगर आपको अंडा ज़ाया नहीं करना है कोई बात नहीं, आप मैदा लेके उसको पानी में घोल. आप देखें, बस ऐसा तेल होना चाहिए कि आपने डाला और हल्का हल्का उसके इर्द गिर्द बबल्स आ रहे हैं. आप देखें मैं आपके सामने तल रही हूँ. ये देखो कैसे आराम से कलर आ रहा है, आराम से फ्राई हो रही है.